दो निर्णय जो आज हुए हैं, एक तो आपको याद होगा रक्षाबंधन और ओणम के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रसोई गैस के जो एलपीजी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था, 1100 रुपए से कम करके 900 रुपए कर दिए, 200 रुपए कम किए, और जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनको 900 पे भी 200 रुपए की और छूट जो सब्सिडी के रूप में मिलती रहनी थी। अगर आप उज्ज्वला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजेंसीज ने भी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, इससे पर्यावरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज्यादातर परिवार लकड़ी कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है, और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे।